नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों आज मैं आप सभी किसान भाइयों को बताऊंगा कि साउथ की मंडियों में डंप का आलू कब तक आएगा, गुजरात में डंप का आलू कब तक चलेगा, साउथ की मंडियों में जो नया आलू आ रहा है कोलार का लोकर वो कब कितना आ रहा है और मंडियों में कब तक आएगा, साउथ की मंडियों में कब से आएगी भयंकर तेजी। तो आज के वीडियो को पूरा देखना। एक अंतर आज के वीडियो में, दोस्तों मैं आज का वीडियो तुलनात्मक बनाऊंगा। लास्ट ईयर 18 अप्रैल 2022 में क्या रेट आलू बिक रहे थे और आज 18 अप्रैल 2023 में क्या रेट आलू बिक रहे हैं, तो लास्ट ईयर की आज की तारीख की तुलना करेंगे आज की 18 अप्रैल से पुरानी 18 अप्रैल की। ठीक है दोस्तों, तो उससे हम पता करेंगे कि लास्ट ईयर क्या रेट बिक रहे थे आलू, आज के दिन कितनी तेजी थी, कितनी मंदी थी, आज कितनी तेजी है मंडियों में, कितनी मंदी है, लोकल मंडियों में क्या रेट आलू बिक रहा है, पिछली बार दिल्ली की मंडी में क्या रेट आलू बिक रहा था, पिछली बार लखनऊ की मंडी में क्या रेट आलू बिक रहा था, पिछली बार मुंबई में क्या रेट आलू बिक रहा था और इस साल क्या रेट बिक रहा है। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितना अंतर है इस बार पिछली साल में और इस साल में कितना अंतर है आलू के भाव में दोस्तों, और क्या चक्कर है, कौन कौन सी मंडियाँ डाउन चल रही हैं, उनका उसका सबसे बड़ा कारण इस समय क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्री बढ़िया दैत। जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास तुरंत प्रॉपर जानकारी पहुंचे। ठीक है, और फेसबुक के ग्रुप को अपने को ज्वाइन कर लो, चैनल के नाम से ही फेसबुक का ग्रुप भी बना हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहां भी मैं अपडेट आप सभी किसान भाइयों के लिए डालता रहता हूं। तो दोस्तों बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़े इस साल किसानों को और अब कोशिश ये की जा रही है कि आलू के भाव स्टैंड हो, आलू के भाव ऐसे हो जाए कि कम से कम लागत मूल्य किसानों को मिलता रहे। तो दोस्तों कोशिश में हम इसी में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। तो आज मैं मंडियों का कंपैरेटिवली वीडियो बनाऊंगा, कंपैरिजन करके लास्ट ईयर और इस साल में कितना अंतर है भाव में, हर मंडी की पिछली साल की रेट और इस साल की रेट बताऊंगा। कोल्ड स्टोरों में इस समय क्या आलू की रेट चल रही है, कितने क्या रेट आलू की बिक्री हो रही है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो मेन एरिया है खंदौली, आगरा, शमशाबाद, फतेहाबाद, सिकवाबाद, सिरसागंज, टूंडला के यहाँ पे क्या रेट आलू की बिक्री हो रही है और निकासी कैसी चल रही है, तो कोशिश करूँगा आज के आपको पूरा, मैं डेली दोस्तों वीडियो डालता हूँ और डेली आप लोगों को अपडेट करता हूँ आलू के बारे में कि आलू की क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है इस समय। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के भाव की। देखो पिछली साल कौन कौन सी मैंने मंडियों के भाव लिए थे उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लगभग अभी एक मिनट में पलट लूँ पेज, हाँ, हैदराबाद मंडी। अब आज मैं बात करूंगा दोस्तों, ये मैंने 2022 18 अप्रैल 2022 का, तो इस साल का पहले भाव बताऊँगा फिर उसके बाद बताऊँगा पिछली साल का। ठीक है, तो दोस्तों इस साल अभी की जो बात करें तो हैदराबाद मंडी जो है वो बिक रही है इस समय आपकी, आज जो बिकी है जो जिसमें कोल्ड स्टोर के आलू बिके हैं वो बिके हैं 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक, और हल्की क्वालिटी के 10 11 से 12 रुपए किलो, और डंप के आलू बिक रहे हैं 13 से 14 रुपए किलो, और हल्के क्वालिटी के डंप के 11 से लेकर 12 रुपए किलो। और यही पिछली साल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लास्ट ईयर 2022 में हैदराबाद मंडी में आलू आज के दिन बिक रहे थे दोस्तों, शमशाबाद के जो 302 आलू हैं वो बिक रहे थे 20 से लेकर 21 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी के आलू दोस्तों बिक रहे थे 18 से लेकर 19 रुपए किलो तक। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये कोल्ड स्टोर के आलू की, जो डंप के आलू की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछली साल हैदराबाद में कोल्ड का आलू अभी तक नहीं पहुंचा था वहाँ पे, ये डंप के आलू दोस्तों ये रेट बिक रहे थे, और ये आलू 302 शमशाबाद का था। आज शमशाबाद की हैदराबाद की मंडी में एक भी गाड़ी नहीं है, जहाँ मैंने रिपोर्ट ली है वहाँ सिर्फ सिरसागंज का आलू डंप का पहुँच रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, आलू सस्ता बिकने का कारण सबसे बड़ा ये है, जैसे इस साल 15 रुपये किलो बिक रहा है ऊँचे में और लास्ट ईयर 20 रुपये किलो बिक रहा था इसी दिन आज के दिन। अब अंतर क्या, अब हैदराबाद मंडी की अगर हम बात करें तो दोस्तों अंतर यह है कि सिरसागंज में क्या किया लोगों ने, सिरसागंज में जितने भी आढ़ती हैं, जितने भी व्यापारी लोग हैं, जो उन्होंने क्या किया कि जो मैंने बीच में आपसे बात बताई थी कि कोल्ड स्टोर में आलू कह दिया कि भर गए कोल्ड स्टोर सारे, और आलू लेना बंद कर दिया, फिर उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी ने हस्तक्षेप किया, तब दोबारा से आलू लेना शुरू किया। तो उन्होंने कोशिश करी कि हम खरीद के अभी सस्ता आलू रख लेते हैं, शुरुआत में ही हम निकालना शुरू कर देंगे। किसी ने कई डंप लगा लिए खरीद के, लोगों ने, व्यापारियों ने, बहुत से किसानों ने डंप लगा लिए दोस्तों, तो पूरे माहौल पूरे में आलू का सस्ते का बना हुआ है भाई। कोल्ड भंडारण के टाइम पे आपको पता ही है कि छत पर रखने वाला था आलू, तो भाई माहौल तो मध्य का बन गया। जितने भी आढ़तीय हैं वो सब अपडेटेड है आज के ज़माने में, सब पे आजकल मोबाइल है, सब फोन करके पूछ लेते क्या स्थिति है, तो इसलिए वो ने मालूम है कि आलू सस्ता खरीद के रखा गया है डंप में, तो इसलिए दोस्तों आलू गाड़ी उतनी ही पहुंच रही है, बिल्कुल सब कुछ उतना ही है, पर आलू 5 रुपए किलो कम से कम लास्ट ईयर से मद्दा बिक रहा है। कारण क्योंकि यहाँ पे सुस्ता, यहाँ माहौल मद्दे का बनाया गया, उस मद्दे के माहौल से किसको फायदा हो रहा है बताओ आप मुझे भाई। व्यापारी का तो मार्जिन महंगी में ही है, कोल्ड स्टोर वालों ने खरीद करी है उनका ही मार्जिन महंगी में ही है, पर नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है किसान को। अगर
तेज में अगर और यही फुटकर में आलू हैदराबाद मंडी, अगर हैदराबाद में 40 रुपए किलो बिक रहा है जो कंज्यूमर के लिए, अभी लोग कहेंगे कि खाने वाले के मतलब इतना महंगाई हो जाएगी कि हम आलू कैसे खाएंगे, तो भाई उनके लिए तो आज भी वही रेट 40 रुपए किलो आलू मिल रहा है उन्हें तो बाजार में। जेब कट गई किसान की, क्योंकि माहौल बनाया गया सस्ते का। तो जिन लोगों ने ये माहौल बनाया था ये उसका फर्क है, ठीक है। अब अगली मंडी की तरफ चलते हैं, उसकी बात करें, चेन्नई की मंडी की तरफ दोस्तों चलते हैं। तो चेन्नई में आज आलू बिक रहे हैं कोल्ड स्टोर वाले 15 से लेकर 16 रुपए किलो, ठीक है, चेन्नई मंडी में, ठीक है। और हल्की क्वालिटी के 13 से 14 रुपए किलो, डंप के आलू बिक रहे हैं 12 से लेकर 13 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी के 11 से लेकर 12 रुपए किलो, ठीक है। और अब बात करते हैं हम, और 7 गाड़ी इसमें कोल्ड स्टोर की हैं और डंप की हैं, बाकी गाड़ी करीब 4-5 गाड़ी डंप की हैं, और लोकल लगभग 23 गाड़ी हैं, और लोकल आलू बिक रहा है 400 से 500 रुपये प्रति 45 किलो की तौल, ठीक है, 45 या 40 जो भी होता है। बात करें दोस्तों अब लास्ट ईयर की बात करें कि लास्ट ईयर इसी दिन क्या रेट बिक रहा था 2022 में आलू, तो चेन्नई में आज जो पिछले साल 2022 में अप्रैल में 18 अप्रैल को 9 गाड़ी कोल्ड स्टोर की थी और 4 गाड़ी डंप की थी, और कोल्ड स्टोर का जो आलू बिक रहा था वो 18 से लेकर 19 रुपये किलो बिक रहे थे, और डंप के आलू बिक रहे थे 12 से लेकर 13 रुपये किलो, ठीक है। और आज बिक रहे हैं दोस्तों कोल्ड स्टोर के आलू 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक, मतलब 3 रुपये किलो का अंतर, ठीक है। और डंप के आलू दोस्तों आज बिक रहे हैं 12 से लेकर 13 रुपये किलो, डंप के आलू की वही रेट है, कोल्ड स्टोर के आलू की रेट कम में कम से कम 3 रुपये किलो का अंतर है। उसका अंतर क्या है उसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। सबको मालूम है कि कोल्ड स्टोरों में इस समय आलू सस्ता बिक रहा है, क्योंकि माहौल आलू में, अब लोग कहते हैं कि माहौल कैसे काम करता है आलू में, माहौल ऐसे काम करता है आलू में, जो आढ़तिया अगर यहाँ से व्यापारी कह के भेजे कि भाई हम लोग महंगा आलू खरीद पा रहे हैं किसान का, किसान आलू सस्ता बेच नहीं पा रहा है, बेच नहीं रहे हैं, इसलिए आलू महंगा बिक्री करो, सब कुछ आढ़तिए के हाथ में है जो यहाँ से 2400 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, अगर वो आलू महंगा बेच रहा, अभी कौन सी एक ऐसा तो है नहीं है कि चेन्नई मंडी में इतना आलू पहुँच रहा है कि समझ ही नहीं पा रहा जैसे माहौल बना था, वो माहौल तो नहीं है, वो तो सिर्फ फर्जी माहौल बनाया गया था। नहीं तो आज की तारीख में अगर ऐसा माहौल होता दोस्तों तो कोल्ड स्टोर के बरामदे भरे हुए होते, डंप इतना होता कि आलू समाता नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा कुछ माहौल का खेल है, मैं आप लोगों को तभी तो कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, आप लोग ये क्या कहते हैं ना सर भाई माहौल से क्या होता है, तो माहौल का ये असर है। इस वीडियो को शेयर इतना करना कि जो लोग देखें कम से कम उनकी आंखें खुलें कि क्या होता है आलू में काम, ठीक है। तो आज के ही भाव देख लिए, आज के भाव में और पिछले टाइम के भाव में लगभग 3 रुपये किलो का अंतर, और डंप का भाव सेम चल रहा है जो लास्ट ईयर था वही, ठीक है। ये था चेन्नई का भाव। लोकल दोस्तों 40-40 गाड़ी आ रही थी चेन्नई में, अब मात्र 23 गाड़ी 20-22-23 गाड़ी आ रही हैं, और 10-10 टन की गाड़ियाँ होती हैं, छोटी गाड़ी होती हैं। बात करें दोस्तों नासिक की, तो नासिक का लास्ट ईयर का भाव मैंने लास्ट ईयर नहीं बताया था शायद मंडी का, तो नासिक में आज 13 से लेकर 14 रुपये किलो आलू बिके, हल्की क्वालिटी के लेके 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक दोस्तों बिक रहे हैं आज। अब बात करते हैं दोस्तों पूना मंडी की, तो हाँ पूना के है भाव, तो पूना में आज लगभग 18 गाड़ी हैं डंप और कोल्ड स्टोर के मिलाकर पूना मंडी में, अलग अलग नहीं पता चल पाया है। और लास्ट ईयर इसी दिन आलू की गाड़ी 20 थी, मतलब 2 गाड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और आगरा का जो कोल्ड स्टोर का आलू था वो पिछले साल इसी दिन बिक रहा था 17 से 18 रुपए किलो, और हाल की क्वालिटी का जो डंप वंप के आलू थे वो 14 से लेकर 16 रुपए किलो बिक रहे थे, मतलब 12 से लेकर 16 रुपए किलो तक बिक रहे थे। आज कोल्ड स्टोर के आलू बिक रहे हैं 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक पूना की मंडी में, BBIP आलू जो बहुत अच्छे आलू हैं, और ज़्यादातर नहीं तो 13 से 14 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 11 से लेकर 12 रुपए किलो बिक रहे हैं, और डंप के आलू दोस्तों 11 से लेकर 12 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, 13 रुपए किलो बिक रहे हैं, और हल्की क्वालिटी का 9 से लेकर 10 रुपए किलो बिक रहा है। डंप के आलू में यहाँ भी लगभग सेम ही भाव है, और कोल्ड स्टोर के आलू लगभग आप जो समझ लीजिए 3 रुपए किलो सस्ते बिक रहे हैं आज, पिछले साल की तुलना में लगभग 3 रुपए किलो सस्ते बिक रहे हैं, ठीक है। तो वो मैंने कारण आपको बताया ही है क्या कारण है, और ऐसा नहीं है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा पहुँच रही है, गाड़ी 2 गाड़ी का सिर्फ डिफरेंस, पर सारा कुछ माहौल का अंतर। तो जितने भी मेरे समझदार किसान भाई, जितने भी मेरे समझदार स्टोर मालिक, जितने भी मेरे सब मिलने वाले सब लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, इन इस वीडियो को समझदारी के संग देखें। डेली 1-2 दिन बाद मैं आपको कंपैरिजन पिछली साल इस साल में करके वीडियो दिखाया करूँगा, तो आप लोग समझें कि कहानी क्या बनती है आलू के माहौल में, ठीक है। तो ये है, ऐसा नहीं है कि पूना की मंडी में आज 50 गाड़ी हो, पूना में पिछले साल इसी दिन 18 गाड़ी थी, आज 18 गाड़ी 19 गाड़ी है, पिछले साल 20 गाड़ी थी, और अंतर 3 रुपए किलो का। वही खाने वाले क्या इस साल आलू लोग पसंद नहीं कर रहे, क्या चक्कर है, मतलब क्या क्या चक्कर है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए मालूम है आढ़तियों को कि वहाँ पे आलू इनको व्यापारियों को बहुत सस्ता मिल रहा है, ठीक है। बात करें दोस्तों अब आ जाते हैं पूना की मंडी के बाद जोधपुर की मंडी की तरफ, तो जोधपुर में आज 50 पैसे मंडी टाइट हुई है,
तो जोधपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जोधपुर के लास्ट ईयर मैंने बहा जोधपुर की अगर हम दोस्तों बात करें तो जोधपुर में लगभग लगभग आज 4 से 5 गाड़ी कोल्ड स्टोर की हैं, और लास्ट ईयर इस दिन 8 गाड़ी थी कोल्ड स्टोर की, 8, ठीक है, और 8 गाड़ी थी दोस्तों। और आगरा का जो कोल्ड स्टोर का जो VBIP आलू दोस्तों बिका था वो 12 से लेकर 14 रुपये किलो बिका था पिछले साल, और इस साल आज बिक रहा है दोस्तों 11 से लेकर 11.5 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी के 9 से लेकर 10 रुपये किलो, और पिछले साल बिक रहे थे 10 से लेकर 12 रुपये किलो तक, ठीक है। तो और आज, और देखो मजे की बात, आज गाड़ी भी कम है, 3 गाड़ी कम है पिछले साल से, मतलब 18 अप्रैल 2022 में 8 गाड़ी थी, और 18 अप्रैल 2023 में आज 4 से 5 गाड़ी हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को। और दोस्तों माहौल देखो, रेट में अंतर देखो, ठीक है, तो ये सारा खेल होता है आलू का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं हो, कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाला है, जो खरीदने वाला आलू है, वो तो आज भी उसी रेट खरीद रहा होगा, उसके लिए तो वही 40 रुपये किलो की रेट है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई ये बिचौलिया सिस्टम ये क्या कर रहा है, ये किसान की स्थिति इसलिए नहीं सुधर सकती है। अब बात करें दोस्तों जोधपुर की निकल गई, अब बात करते हैं हम कानपुर मंडी की। तो कानपुर में लास्ट ईयर मैंने लिया था भाव, कानपुर लिया था ना मैंने, कानपुर दोस्तों जो एक्स्ट्रा सुपर जो गुल्ले हैं दोस्तों, गुल्ले का भाव मैंने लास्ट ईयर नहीं लिया था, और डंप के आलू जो बिक रहे थे वो, हाँ ख्याति आलू, ख्याति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो बिक रहा था लास्ट ईयर 5 से लेके 5.5 रुपए किलो, वो सॉरी लगभग ख्याति आलू लास्ट ईयर बिक रहा था 525 डिवाइडेड बाई 40, लगभग 13 रुपए किलो तक VVIP, और आज बिक रहे हैं दोस्तों 9 से 10 रुपए किलो, ठीक है। और हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड बिक रहे थे दोस्तों लास्ट ईयर यही सेम रेट 10 से लेके 11 रुपए किलो, और आज भी दोस्तों 10 से लेके 11 रुपए किलो बिक रहे हैं। और जो डंप के आलू थे दोस्तों, अभी फिलहाल डंप के ही हैं, जो डंप के ही भाव हैं, कोल्ड के भाव नहीं है, और डंप के आलू जो नॉर्मल आलू जो सस्ते हल्के क्वालिटी के सब तरह के बिक रहे थे वो 10 से लेके 11 रुपए किलो तक बिक रहे थे, और आज भी वही रेट बिक रहे हैं, ठीक है ना, सेम रेट बिक रहे हैं पिछले साल और इस साल में। बढ़िया आलू में बस 2 रुपए किलो का अंतर है, बाकी रेट सेम चल रहा है, ठीक है। कानपुर के कुछ पहले मैंने लिमिटेड ही लेता था, 2-3 तरह के आलू के भाव ले लिए, फिर गड़बड़ हो जाती है। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में दोस्तों आज, बेंगलोर की दोस्तों आज बात करें तो कोल्ड स्टोर के जो आलू हैं VVIP, ठीक है, बेंगलोर में वो आज बिक रहे हैं आपके 15 से लेके 16 रुपए किलो तक कोल्ड स्टोर वाले एक्स्ट्रा सुपर, और हल्की क्वालिटी के 13 से लेके 14 रुपए किलो, और पिछले साल ये आलू बिक रहे थे 17 से 18 रुपए किलो VVIP कोल्ड स्टोर के, और हल्की क्वालिटी के आलू दोस्तों बिक रहे थे वही 15 से लेके 16 रुपए किलो तक। तो हल्के में तो सेम ही रेट है, और बढ़िया में दोस्तों 3 रुपए किलो का अंतर है यहाँ भी, और लास्ट ईयर के बराबर इस साल जितनी आमद आ रही है उसी पिछली साल भी उतनी ही आमद मंडी में पहुँच रही थी, ठीक है दोस्तों, ये कहानी। अब बात करें इंदौर मंडी की, तो दोस्तों इंदौर के भाव देख लेते हैं। इंदौर मैंने लास्ट ईयर लिया था, नहीं इस दिन के नहीं, कोशिश ये करते, तब इतने तंत्र भी नहीं थे ना, इतने लोगों से जानकारी मिल पाती थी, पर कोशिश है, नहीं लिया दोस्तों। इंदौर में आज यूपी के जो कोल्ड स्टोर के आलू हैं वो 8 से लेकर 9 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 6 से 7 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर ज्योति आलू 11 से 12 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी के ज्योति 9 से लेकर 10 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर चिप्सोना 11, 12, 13 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। और दोस्तों अगर ये आपको कंपैरिजन वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में कमेंट में जरूर बताएंगे शर्मा जी ऐसे ही जानकारी दिया करो, थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है वीडियो। अब बात करते हैं मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी भी काफ़ी बड़ी मंडी है, और मुंबई काफ़ी किसानों की मंडी है, बहुत किसान लोड करते हैं मंडी के लिए आलू मुंबई में। बात करें दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर जो आलू कोल्ड स्टोर के जो 37-97 आलू थे जो, वो आज बिक रहे हैं 14.5 से लेकर 15 रुपए किलो तक आज की तारीख में, और पिछली साल यही आलू बिक रहे थे 17 से 18 रुपए किलो, ठीक है। और एक्स्ट्रा सुपर जो हल्की क्वालिटी के दोस्तों आलू हैं वो 13 से 14 रुपए किलो बिक रहे थे, आज बिक रहे हैं 16 से लेकर 17 रुपए किलो, ठीक है। नॉर्मल हल्की क्वालिटी के आलू 12 से 13 रुपए किलो आज भी बिक रहे हैं, पिछले साल भी 12 से लेकर 13 रुपए किलो बिक रहे थे, ठीक है ना। और हम बात करें दोस्तों डंप वाले जो हल्के क्वालिटी के आलू हैं वो बिक रहे हैं दोस्तों 11 से लेकर 12 रुपए किलो आज, और पिछले साल बिक रहे थे दोस्तों 14 से लेकर 15 रुपए किलो, और लगभग डंप के आलू सब वही 11-12 रुपए किलो, बट डंप के आलू और मैं इस साल और पिछले साल में लगभग 1-2 रुपए किलो का ही फ़र्क है, VVIP आलू में 3 रुपए किलो तक का फ़र्क है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अराइवल सेम उतनी है, अराइवल पिछले साल से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी आज के दिन अगर बात हम करें तो, और रेट में बहुत अंतर है, क्योंकि दोस्तों खरीदार भी प्रिपेयर्ड रहता है, उसे मालूम है कि हाँ आलू महंगा है तो मैं महंगा खरीद सकता हूँ, सब मेंटल दिमाग का खेल है। बात करें दोस्तों 302 आलू की, तो वही बिक रहे हैं आपके डंप वाले
इस अभी इस समय बिक रहे हैं आपके 13-12-13 रुपए किलो तक, पिछले साल 15 रुपए किलो तक बिक रहे थे। और एमपी के दोस्तों लगभग आलू सेम ही बिक रहे थे पिछले साल भी और इस साल भी। एमपी का चिप्सोना जो बिक रहा है दोस्तों, पिछले साल बिक रहा था 16-17 रुपए किलो, इस साल बिक रहा है 14-16 रुपए किलो तक। और गुजरात के कोल्ड स्टोर के आलू पिछली बार 17-19 रुपए किलो तक बिक रहे थे और इस साल दोस्तों बिक रहे हैं 10-12 रुपए, 13 रुपए किलो तक। ठीक है, थोड़ा क्वालिटी का भी फर्क रहता है। बात करें अहमदाबाद मंडी की दोस्तों, आज तो अहमदाबाद मंडी में एक्स्ट्रा सुपर जो पुखराज आलू है 8-8.5 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 7-8 रुपए किलो बिक रहे हैं। एक्स्ट्रा सुपर ख्याति 9-11 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 8-9 रुपए किलो। बादशाह 10-12 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 9-10 रुपए किलो। 5-7 दिन दोस्तों डंप और चलेगा गुजरात में, फिर उसके बाद डंप फिनिश हो जाएगा। फरुखाबाद मंडी की बात करें दोस्तों, कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। फरुखाबाद मंडी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फरुखाबाद में पिछले साल मैंने भाव लिया ही नहीं था, पर लगभग सेम ही भाव है मैंने आइडिया लगाया है। जो आज आलू बढ़िया वीआईपी बिक रहे हैं 8-8.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 6-7 रुपए किलो। बात करें दोस्तों दिल्ली आजादपुर की, तो दिल्ली आजादपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो दिल्ली आजादपुर में हाँ जो बड़ा मज़ेदार रहेगा, आज 107 गाड़ी है, पिछले साल 80 गाड़ी थी। ठीक है, समझना मेरी बात को, पिछले साल 80 गाड़ी थी, आज के दिन आज है 107, 107 गाड़ी है। आज जो संभल के जो आलू बिक रहे हैं दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर, वो बिक रहे हैं 400-450 रुपए तक। जंगीराबाद के बिक रहे हैं 400-450 रुपए, पिछले साल यही आलू 550-600 रुपए तक बिक रहे थे 50 किलो के भाव। संभल का जो चिप्सोना है दोस्तों वीवीआईपी, बढ़िया चिप्सोना, जो अच्छे चिप्सोना की बात करें तो पिछले साल 600-700 रुपए बिक रहा था, इस साल 500-600 रुपए तक बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 400-500 रुपए तक। सूर्या की अगर हम बात करें दोस्तों वीवीआईपी, तो सूर्या के रेट सेम है। सूर्या पिछले साल भी 750-800 तक वीवीआईपी बिक रहे थे, इस साल पिछले साल बिक रहे थे 800-850 रुपए, इस साल बिक रहे हैं 750-800 रुपए तक। और पंजाब का हाड़ू देखो कितना डिफरेंस, पंजाब का हाड़ू इस साल बिक रहा है 150-350 रुपए तक, और पिछले साल बिक रहा था 450-450 रुपए तक, आप समझ रहे हैं। और 3797 दोस्तों अलीगढ़ आगरा का बिक रहा है, आज बिका है आपका 450-550 रुपए तक कोल्ड स्टोर के, और वैसे 400-500 रुपए तक। और पिछले साल बिक रहे थे दोस्तों शायद मेरे ख्याल से डंप वाले ही हैं, कोल्ड वाले नहीं थे, वो बिक रहे थे 500-600 रुपए तक। तो कितना अंतर है बताओ, फिर गाड़ी का भी डिफरेंस है दिल्ली आजादपुर में। तो दोस्तों पुखराज हल्की क्वालिटी के जो हल्के आलू हैं वो बिक रहे हैं आपके आपके 350-400 रुपए तक जो हल्के आलू हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अगर आप लोग हाँ और कोल्ड स्टोरों की आऊँगा दोस्तों बात करें, तो हमारे आगरा में दोस्तों इस समय खंदौली में कोल्ड स्टोरों में आलू बिक रहे हैं आपके बढ़िया आलू 450 रुपए से लेके और 600 रुपए तक वीवीआईपी 3797। और ज़्यादातर आलू बिक रहे हैं 500-550 रुपए तक, चाहे वो ख्याति हो 3797। और अब वैसे हाइब्रिड मोहन मोहन बिक रहे हैं 500-550 रुपए, और गुल्ले बिक रहे हैं आपके 400-450 रुपए तक। और दोस्तों गुल्ले की भी लोडिंग अच्छी हो रही है, और लगभग मेरे ख्याल से आगरा ही आगरा में 100 गाड़ी से ज़्यादा लोड हो रही होंगी इस समय। बाकी धीरे धीरे करके गाड़ियों में कोल्ड स्टोरों की जैसे जैसे मंडियों में डिमांड बढ़ेगी गाड़ियाँ लोड होती चलेंगी, यही सेम रेट चल रहा है। और 302 की अगर हम बात करें, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू डंप वाले 500-550 रुपए बिक रहे हैं, और डंप में से एक कार लॉट 600 रुपए तक भी बिक जाता है, और कोल्ड स्टोर में से अभी इतनी निकासी शुरू नहीं हुई, कोल्ड में भी आलू 600-650 रुपए तक भी बिक रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आज का, इस ऐसे कंपैरिजन करने वाले बनाने के चक्कर में 18 मिनट का वीडियो को। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो, वीडियो अच्छा।